2024 में किसको सीएम देखना चाहते हैं? टाइगर जयराम दादा को। अच्छा, आप क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए देखना चाहते हैं कि उसमें एक निडरतापन है हर एक नेता से, जो अपने आप में कर रहा है, अपने के लिए नहीं कर रहा, हम लोग जनता के लिए कर रहा है, अपने भविष्य के लिए कर रहा है, अपना भाई एवं बहन के लिए कर रहा है। अच्छा, आप अपना बेटा को लेकर के आए, यानी छोटा बच्चा को आप गोदी में लेकर के आए इस कार्यक्रम को? अपने बेटा के भविष्य के लिए। अभी हम लोग का तो जैसे तैसे जा रहा है, चल रहा है, लेकिन अपने बाल बच्चा को तो भविष्य बनाएंगे ना। 24 में हम लोग सीएम बनाएंगे तो बनाएंगे, हर हाल में सीएम बनाएंगे। हाँ। अच्छा, कैसे लगते हैं टाइगर जयराम? बहुत अच्छा। हम लोग को जैसे बुजुर्ग लोग ज्ञान देते थे, वैसे जयराम भैया दे रहे हैं हम लोग को ज्ञान। अच्छा, इतना भीड़ में भी आप लोग बच्चा को लेकर के आते हैं, डर नहीं लगता कि बच्चा में कोई तरह दिक्कत हो? नहीं, वैसे इतना रिस्क लेके क्यों आते हैं? बस हम लोग जागरूकता हो गए हैं, जयराम भैया कर रहे हैं और बच्चों लोग को भी दिखा रहे ताकि और जागरूकता हो जाएंगे। मेरी इतनी सी बच्ची भी बोलते है कि जयराम को हम देखेंगे। अच्छा, ये बच्ची बोलती है जयराम को देखेंगे? बोलती है बच्ची भी बोलती है कि हम लोग जयराम को देखने जाएंगे, मम्मी जा रहे हैं। लड़की लोग तो अक्सर ये सब देख नहीं पाती है और हम लोग यहाँ आए तो अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा और बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहिएगा जयराम? जयराम दा को बहुत धन्यवाद देंगे कि हम लोग को नाचने का यह मौका दिए। आप क्या कहिएगा? आप भी, हम भी कहेंगे अच्छा लगा, नाचने का अच्छा लगा। अच्छा लगा, क्या कहे? कैसा लगा? बहुत अच्छा। 2024 में किसको सीएम देखना चाहते हैं? क्या 2024 में सीएम किसको देखना चाहते हैं? जयराम महतो को। क्यों? हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कर रहे हैं इसीलिए। चलिए, बहुत अच्छा। क्या कहिएगा टाइगर जयराम को? क्या कहेंगे, मतलब बहुत अच्छा। 2024 में किसको सीएम देखना चाहते? जयराम महतो को। नूनी कैसा लगा? बहुत अच्छा। बड़ी बस लगलो? अभी यहाँ तुम्हें नाचने कैसा लगलो? अच्छा। देख भी सकते हैं किस तरह जो भीड़ है, ये भीड़ आप देख सकते हैं और भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है कैसा, कितना भव्य और दिव्य बना ये प्रोग्राम। ये डुमरी करम अखड़ा बिल्कुल सफल हो गया है। डुमरी करम अखड़ा पूरा विशाल था, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो हम लोग को पहले से उम्मीद था कि ये प्रोग्राम भव्य होने ही वाला है, अगला साल से भी बहुत बेहतर होगा और मौसम भी इस बार हम लोग को बहुत अच्छा दिया है और माताएं बहनें भी अपना शांतिपूर्वक प्रोग्राम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग आने वाले टाइम में और बेहतर से बेहतर करेंगे और चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को मतलब एक राष्ट्रीय त्यौहार या फिर राजकीय त्यौहार के रूप में घोषित किया जाए ताकि इसका चमक पूरे देश में नजर आए। 2024 को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? 2024 में हम लोग जयराम दा के साथ हम लोग यही चाहेंगे कि उनके अगुवाई में 2024 में डुमरी हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे बोकारो हो, हर जगह हम लोग सांसद के रूप में नया नया चेहरा देने का काम करेंगे। यहाँ पे एक साथ हजार बहनें डांस कर रही थी, कैसा लगा डांस करके? बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से अखड़ा हुआ है? दूसरा बार है। दूसरी बार है? हाँ। क्या कुछ कहिएगा आप? क्या आयोजक जो है आयोजन करते हैं प्रत्येक बार, उसको क्या कहिएगा? वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि हम लोग को इस तरह से मौका देते हैं। गांव में तो इतना कुछ होता नहीं है, हमको गांव से यहां लाया जाता है, स्पेशली हम लोग इसके लिए डांस तैयार करते हैं, फिर यहां के दिखाना पड़ता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, पहली बार ऐसा देखने को, साल दो साल में देखने को मिल रहा है, तो इसके मतलब किसको श्रेय देना चाहेंगे? जयराम दादा को। उनका विचार कैसा लगता है? बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छे हैं वो। क्या 2024 में उसको सीएम देखना चाहेंगे आप? हाँ। आपका क्या नाम है? लोहिया करो। डालेश्वरी कुमारी, नाम बोले ना। और कैसा लगा प्रोग्राम यार? प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा क्योंकि गांव के लड़की लोग तो अक्सर ये सब देख नहीं पाती है और हम लोग यहाँ आए तो अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा और बहुत ही अच्छा देखने को लगा। 2024 के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2024 के लिए यही कहना चाहेंगे कि जयराम दादा जो है टाइगर जयराम दादा, वो सीएम पर बैठे, सीएम का चेयर में बैठे। अच्छा, क्या लग रहा है जयराम सीएम जैसा, टाइगर जयराम जी सीएम जैसा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। और भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? आप यहाँ आए थे? बहुत अच्छा लगा आके 1932 के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे आए हैं तो। अच्छा, बात बताइए, अभी जयराम जी कर्मा को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जानकारी के लिए कैसा लगा उनका विचार?
अच्छा लगा सबको प्रेरित करने का कोशिश। जो चीज वो बताएं कभी पहले सुने थे कर्मा को लेकर के जो बताएं। अगला बार सुने थे आए थे तो पिछला बार भी सुने होंगे तो जयराम जी बताएं। हाँ वही बताओ क्या 2024 में सीएम देखना चाहते हैं? हाँ क्योंकि वो देश के बारे में भारत के बारे में मतलब ये झारखंड के बारे में है सो बता रहे हैं कि बढ़ाना चाहिए यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं सब कुछ इसलिए। चलिए उन्होंने कैसा लगला तोरा? बहुत अच्छा प्रोग्राम पूरा सफल हो गया क्या कुछ कहिएगा? देखिए ये कार्यक्रम जो है कर्मा कर्म ये हम लोग का झारखंडियों का और यहाँ के खतियानियों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम बहुत दिल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है इसलिए इसमें किसी तरह का दो मत है ही नहीं कि कार्यक्रम सफल नहीं होगा। हम लोगों का सद्भावना और भावना से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। लोग तन मन अपना घर से यहाँ तक पहुँचे हैं और अपना संस्कृति को बचाने के लिए अपना ये धरोहर इसको बचाने के लिए दृढ़ संकल्प। एक साथ हजार बेटियाँ डांस की आज डुमरी कर्म अखाड़ा में क्या कहिएगा? देखिए बहुत सौभाग्य का बात है कि पिछले कुछ दिनों से एक साल से यहाँ की बेटियाँ जागरूक हो गई है अपने जल जंगल जमीन के लिए अपने संस्कृति के लिए अपने पर्व त्योहारों के लिए और एक ये झारखंड को एक दिशा और निर्देश देने के लिए बेटियाँ आगे आ रही हैं। मिशन 2024 क्या कहिएगा? अरे मिशन 2024 हम लोगों का यहाँ के नौजवानों का यहाँ के बहु बेटियों का है और यहाँ के मूल झारखंडियों का है 1932 के खतियानधारियों का है। थैंक यू। पहली बार डुमरी करम अखाड़ा में 1000 से ऊपर बेटियों ने डांस किया क्या कुछ कहिएगा? हमको मिल के खुशी हो रहा है आए हम उतना दूर से तो आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर हम देखने आए खुद प्रदर्शन करने आए देखे तो बहुत खुशी मिला। अच्छा दो साल के पहले अगर हम लोग जाते हैं दो साल से पीछे चले जाते हैं तो क्या ऐसा कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता था? नहीं उससे हटके मिलेगा और हटके मिल रहा है और हो रहा है उससे हटके हो रहा है। 2024 क्या कहिएगा? उसका आगे चल के और विकास की ओर आगे बढ़ेगा और देखिएगा झारखंड और आगे निकलेगा और निकल 2024 में किसको सीएम देखना चाहते हैं? टाइगर जयराम दादा को। अच्छा आप क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए देखना चाहते हैं कि उसमें एक निडरतापन है हर एक नेता से जो अपने आप में कर रहा है अपने के लिए नहीं कर रहा है हम लोग जनता के लिए कर रहा है अपने भविष्य के लिए कर रहा है अपना भाई एवं बहन के लिए कर रहा है। अच्छा आप अपना बेटा को लेकर के आए यानी छोटा बच्चा को आप गोदी में लेकर के आए इस कार्यक्रम को? अपने बेटा के भविष्य के लिए अभी हम लोग का तो जैसे तैसे जा रहा है चल रहा है लेकिन अपने बाल बच्चा का तो भविष्य बनाएंगे ना हम लोग। देख सकते हैं किस तरह से है पूरा आप देख सकते हैं कि 2024 जो है वो तमाम जो लोग हैं चाहे वो महिला हो पुरुष हो युवा हो सभी लोग लगे हुए हैं 24 के लिए क्या कुछ कहिएगा यहाँ पे? 24 में हम लोग सीएम बनाएंगे तो बनाएंगे हर हाल में सीएम बनाएंगे। हाँ अच्छा कैसे लगते हैं टाइगर जयराम? बहुत अच्छा हम लोग को जैसे बुजुर्ग लोग ज्ञान देते थे वैसे जयराम भैया दे रहे हैं हम लोग को ज्ञान। अच्छा इतना भीड़ में भी आप लोग बच्चा को लेकर के आते हैं डर नहीं लगता कि बच्चा में कोई तरह दिक्कत हो? नहीं वैसे इतना रिस्क लेके क्यों आते हैं? बस हम लोग जागरूकता हो गए हैं जयराम भैया कर रहे हैं और बच्चों लोग को भी दिखा रहे ताकि और जागरूकता हो जाएंगे। मेरी इतनी सी बच्ची भी बोलते है कि जयराम को हम देखेंगे। अच्छा ये बच्ची बोलती है जयराम को देखेंगे? बोलती है बच्ची भी बोलती है कि हम लोग जयराम को देखने जाएंगे मम्मी जा रही हम भी जाएंगे। यानी कि बच्ची के लिए आप बदलाव चाहते हैं? ऐसे ही हम लोग सोच रहे हैं अपना बच्चा के बारे में कि जयराम अच्छे हैं और अच्छे बात बताते हैं तो कुछ भी सीखेंगे बच्चे लोग भी कुछ सीखेंगे। अच्छा पूरे झारखंड के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी सोए हुए हैं झारखंड के बारे में नहीं सोच रहे हैं बदलाव के बारे में नहीं सोच रहे हैं? हाँ तो आज से अभी जो 1932 के बारे में बोल रहे हैं तो दो साल से सारा झारखंडी जग चुके हैं और अभी सीएम 24 में बनने के लिए पूरा जग गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।